हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क के द्वारा देखा था, डिफरेंट केसेस मैंने बताया था और मैंने ये बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इनटू अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल made by the circular arc at its center. उसके बाद हमने कई केसेस देखे थे और कि नहीं, यदि कंप्लीट सर्कल होगा तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा. तो किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के द्वारा उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है. क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r. म्यू नॉट आई अपॉन 2r. अब यहां क्या है, देखो इसके यहां क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. एक सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस भी क्या है, सेम है. हमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रेडियस सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है कोई, लेकिन हमने यहां सेम मान लिया है. रेडियस क्या है, आर है दोनों का. एक में क्या है, 3i करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे में क्या है, 4i करंट. इसको 3i थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं कि 3i और क्या है, 4i करंट फ्लो हो रहा है. अब इन दोनों सर्कुलर लूप को इस तरह रखा गया है कि उनका जो प्लेन है वो क्या है, प्लेन जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, क्या होगा, प्लेन परपेंडिकुलर. एक चीज यहां ध्यान देना है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के द्वारा जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अलवेज क्या होता है, एक्सिस के अलोंग होता है. यहां ध्यान से देखोगे तो क्या हो, एक्सिस के अलोंग होगा. ठीक है, क्या होगा, एक्सिस के अलोंग. एक देखो यहां दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों जो लूप है, सर्कुलर लूप है, उसको इस तरह रखा गया है कि उनका जो प्लेन है वो क्या है, परपेंडिकुलर. प्लेन का मतलब क्या हुआ, देयर एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्या है, देयर एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आई मीन उनका, उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, एक्सिस के अलोंग होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर लूप ए के द्वारा जो, देखो ए कैसे रखा गया है, सर्कुलर लूप बी ऐसे रखा गया है, इस प्लेन में रखा गया है, और जो सर्कुलर लूप ए है इस वर्टिकल प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है. देखो ऐसे रखा गया है, आप ध्यान देंगे तो एक जो लूप है वो कैसे, एक सर्कुलर सर्कल कैसे रखा गया है, ऐसे. ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से, एक जो सर्कल रखा गया है वो क्या है, ऐसे. ठीक है, और दूसरा सर्कल जो है वो क्या है, ऐसे है. एक ये वाला है और दूसरा जो क्या है, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे. तो दोनों के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा. बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो पहले यहां लिख लेंगे, क्या होगा, नोट में लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, सेंटर इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग इट्स एक्सिस. ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, एक्सिस के अलोंग क्या होगा. तो यहां जो दोनों सर्कल है उसका जो प्लेन है क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. आई मीन एक्सिस भी क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो हम लिख देंगे कि नेट फील्ड जब लिखेंगे एट ओ तो क्या लिखेंगे, दोनों लूप के द्वारा लिखेंगे यार, तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ए प्लस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप क्या होगा, बी होगा. और किसी भी सर्कुलर लूप के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है, 2r. यही याद रखना है, 2r. यही किसी भी सर्कुलर लूप के द्वारा उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा, 2r होगा. तो यहां भी देख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है,
हम लिख सकते हैं यहां कि बी वन एंड इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा बी टू, आई मीन बी ए इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा बी टू। देखो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, इसके द्वारा क्या होगा ऐसे होगा, और ये लूप कैसे है ऐसे है, तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इधर होगा इधर, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा बी वन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी टू स्क्वायर। अब तो आप आसानी से वैल्यू रख सकते हो, बी वन का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ बी वन का वैल्यू हम यदि लिखें इस फॉर्मूले को यूज करके, तो बी वन का वैल्यू क्या होगा म्यूनट आई मीन म्यूनट इंटू क्या होगा थ्री आई अपॉन क्या होगा टू आर द क्या होगा होल स्क्वायर प्लस उसी तरह लिखेंगे म्यूनट इंटू फोर आई ठीक है अपॉन टू आर द क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। डायरेक्शन भी तुमसे पूछा जाए तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा देखो बी एट ओ इज इक्वल टू इसमें से कॉमन ले लो क्या लेगो म्यूनट आई अपॉन टू आर लिख सकते हो इधर, तो क्या हो जाएगा म्यूनट आई अपॉन टू आर इंटू क्या हो जाएगा नाइन प्लस क्या हो जाएगा 16 यही होगा ना, तो बी एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा म्यूनट आई मीन फाइव म्यूनट आई अपॉन क्या होगा ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसको मुझे क्या करना है वेक्टर की तरह सोचना है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा भी गया है कि देखो क्या है ये फिगर है और यहां यही क्या है सेंटर है, ये किसी के लिए वैलिड होगा और भी केस मैं बताऊंगा। यहां देखो यहां क्या है, यहां करंट इंटर हो रहा है ठीक है, यहां यहाँ करंट क्या हो रहा है ठीक है I mean, यहां से करंट क्या है जा रहा है और यहां से करंट क्या आ रहा है, तो फोर्स क्या होगा देखो इसको हम A मान लें, इसको B मान लेते हैं और इसको C, और इसको मान लेते हैं A ठीक है, क्या मान लेंगे इसको A B C आर्क, और ये क्या हो जाएगा चलो A पी सी आर्क मान लेते हैं ठीक है, तो दो आर्क होगा, इधर से क्या हो जाएगा करंट क्या हो जाएगा आई वन जाएगा और इधर से क्या होगा आई टू जाएगा। यदि ये एंगल मैं मान लेता हूं कि एंगल क्या है अल्फा है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू पाई माइनस क्या हो जाएगा अल्फा ठीक है। अब यहां आपसे पूछा गया है कि फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, यहां देखो क्या है समझ में आया ना कि मैग्नेटिक करंट क्या है ए पे क्या हो रहा है इंटर हो रहा है और सी से क्या हो रहा है इमर्ज हो रहा है, तो आपको क्या करना है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट क्या होगा ओ, तो यहां लिख लो क्वेश्चन में फाइंड एग्जांपल ये लिख लेना है ना फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट ओ एज शोन इन द फिगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसका रिजल्ट भी आपको याद कर लेना चाहिए ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ दो सर्कुलर आर्क है यार, क्या है दो सर, पहले तो एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन में, हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि यदि यहाँ KCL यूज करोगे तो क्या लिखोगे आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे आई वन प्लस क्या लिखोगे आई टू, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया यार है ना। अब देखो क्या है मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या होगा बी एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा दोनों आर्क के द्वारा होगा, तो हम लिख सकते हैं कि बी वन है ना बी वन प्लस क्या हो जाएगा
बी टू. दिस इज क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, ड्यू टू आर्क. कौन सा आर्क, आर्क ए पी सी, ए पी सी ठीक है. और दूसरा ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू आर्क ए बी सी. और दिस इज नेट मैग्नेटिक. मैग्नेटिक यही होगा ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड. अब मुझे क्या करना है कि दोनों का, आप देखो क्या होगा, दोनों के द्वारा जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा. हम कुछ नहीं बोल सकते. बाद में मैं प्रूव करूंगा कि B1 और B2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा. ये मैं प्रूव करूंगा अभी. और बाद में हम जनरल कहीं भी करंट निकल रहा हो और कहीं इंटर कर रहा हो और कहीं निकल रहा हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा. इसमें ये भी पूछा जाता है, हम प्रूव भी करेंगे. अब यही अपने को निकालना है. यहां देखो हम किसको, चलो डायरेक्शन आउटवर्ड मान लेते हैं. हम मान लेते हैं कि क्या होगा बी वन, आई मीन क्या होगा बी वन जो होगा वो क्या होगा एपीसी के द्वारा. जो देखो तो एपीसी का डायरेक्शन किधर है, इस आर के द्वारा, आई मीन एपीसी, आई मीन आरटी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इनटू होगा. और आई वन के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड होगा. तो यदि मैं लिखूं, देखो यहां ध्यान से कि बी वन, आई मीन बी वन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, आर ए पी सी. तो बी वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई टू अपॉन क्या लिखेंगे, टू आर, यही होगा. और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इन टू द बोर्ड. तो यहां क्या लिख रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, है ना. उसी तरह यदि हम बी टू लिख दें, बी टू इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ एक एक काम ऐसे कर लो कि यहाँ रेसिस्टेंस स्मॉल मान लो, सॉरी इसका क्या मान लो, आर जो है वो स्मॉल मान लो, क्योंकि यहाँ मुझे और भी एक कंसेप्ट कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है. आर उसी तरह बी टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन अपॉन क्या हो जाएगा, टू आर. यहाँ देखो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा यार, आउट होगा. ये क्या हो गया, कोई डाउट नहीं है. अब आप देखोगे यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं ना, डायरेक्शन आपको भी मालूम है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, समझ में आया ना. यदि मैं मैग्नीट्यूड, अब क्या होगा, यहां से आप देखोगे तो I1 I2 अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. अब देखो करंट जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है. तो इसका रेसिस्टेंस देखो, तो यहां से आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन क्या होगा, ये होगा रो एल अपॉन क्या होगा, आई मीन रेसिस्टेंस. देखो तो रो और ए क्या होगा, सेम हो जाएगा. तो हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर्क लेंथ, यही होगा ना. तो हम यहां से लिख सकते हैं, देखो आर टू, इसका रेसिस्टेंस हमने क्या मान लिया, आर टू मान लिया. तो देखो तो आर ए पी सी, आई मीन आर ए पी सी रेसिस्टेंस ऑफ क्या होगा, आर्क ए पी सी अपॉन क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ आर ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, एल ए पी सी अपॉन क्या होगा, एल ए बी सी, यही होगा ना यार, कोई डाउट नहीं है ना इसमें. हाँ नहीं है, कोई डाउट ठीक है ना. यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड यार गलत लिख दिया है, सॉरी. आप लोग याद भी दिला सकते थे. यहां क्या होगा, देखो यहां एंगल तो लिखना चाहिए ना, 2 पाई माइनस क्या होगा अल्फा, ठीक है. और यहां क्या हो जाएगा, क्रॉस इनटू हो रहा है. और ये क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है. और यहां क्या हो जाएगा, अब सही है ठीक है. तो ये आपको मालूम है कि देखो यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया इस वायर का क्या यूनिफॉर्म है. तो आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल अपॉन ए. तो हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर्क लेंथ. तो लिख दिया आर ए पी सी, आई मीन रेजिस्टेंस ऑफ आर्क ए पी सी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ आर ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, एल ए पी सी अपॉन क्या होगा, एल ए बी सी, ठीक है. इसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं, देखो और क्या पॉइंट लिख सकते हैं. अब आर्क लेंथ जो होगा वो क्या होगा, आर थी
क्या हो सकता है यार, तो हम यहां से बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, आर ए पी सी अपॉन क्या होगा, आर ए बी सी इज इक्वल टू एल ए पी सी अपॉन एल ए बी सी इज इक्वल टू आर टू पाई माइनस क्या लिखेंगे अल्फा अपॉन क्या लिखेंगे आर अल्फा, आई मीन ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर ए पी सी अपॉन आर ए बी सी इज इक्वल टू एल ए पी सी अपॉन क्या होगा एल ए बी सी, एल वन एल टू भी तो मान लेते हैं यार, है ना, तो यहाँ हमने क्या लिखा टू पाई माइनस क्या होगा अल्फा अपॉन क्या होगा, अब तो ये मालूम चल गया यार। इसके बाद भी आप जानते हो कि रेसिस्टेंस क्या होता है, सॉरी करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि समझ में आया ना, तो यहाँ बोल सकते हैं कि आई जो होगा वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर होगा, आई मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर्क लेंथ होगा, आई मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एंगल सबटेंडेड बाय क्या हो जाएगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं, देखो आई टू अपॉन आई वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर ए बी सी अपॉन क्या लिख सकते हैं आर ए पी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अल्फा अपॉन क्या लिख सकते हैं टू पाई माइनस क्या लिख सकते हैं, सही है, कोई डाउट नहीं है ना। अब बी वन बी टू का रेशियो देख लो यार आसानी से, ठीक है, बाद में हम नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ऑलवेज याद रखना, साइन हमने यहाँ नहीं कंसीडर, ये जस्ट डायरेक्शन, तो हम बी वन अपॉन बी टू लिखेंगे, देखो यहाँ से बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो आई टू, हाँ यहाँ एक से एक और रिजल्ट भी आ जाएगा, देखो ध्यान से यहीं आ गया, देखो यहाँ से आई टू इंटू क्या होगा टू पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो गया, यहाँ दिख रहा है ना दोनों सेम हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये बी वन इक्वल टू क्या होगा बी टू, यदि मैं इसको क्या लिख दूँ इसको इक्वेशन टू मान लूँ या थ्री मान लूँ और इसको इक्वेशन फोर मान लूँ, समझ में आया ना, देखो आई टू टू पाई अल्फा आई टू इंटू टू पाई अल्फा इक्वल टू आई वन इंटू अल्फा, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम फ्रॉम क्या होगा थ्री एंड क्या होगा एंड क्या होगा फोर बी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा आई मीन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, बहुत अच्छा रिजल्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा ड्यू टू बोथ आर्क बोथ आर्क एट ओ विल बी क्या होगा विल बी इक्वल हेंस हेंस बोल सकते हैं हेंस क्या होगा हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट क्या होगा एट ओ विल बी क्या होगा विल बी ए याद रखना है ना विल बी जीरो, समझ में आया ना, दैट इज क्या होगा बस ए इसको लिख लेना, लिख करके इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखना, कहीं भी करंट क्या हो रहा है इंटर कर रहा है और कहीं से निकल रहा है तो नेट फील्ड जो होगा ऑलवेज सेंटर पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मैं कहीं भी यहाँ आपको मैं बताऊंगा, अभी देखो जैसे एक क्यूब है क्या ये रूम है, इसको क्यूब मान लो, क्यूब के एक कॉर्नर पे क्या करो करंट इंटर कराओ और दूसरे करंट कहीं भी कॉर्नर से निकाल दो और आपसे पूछा जाए कि इसके सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तो जीरो होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो देखो यहाँ ध्यान से कि यहाँ क्या होगा दैट इज हम लिख सकते हैं दैट इज बी एट ओ विल बी क्या होगा जीरो, तो ये क्या होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, कभी कभी रेशियो पूछ दिया मैग्नेटिक फील्ड एट क्या होगा एट
ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब आपको याद रखना है, देखो ध्यान से कि इस केस में, देखो ध्यान से, मैं अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल देखो, यहाँ कई एग्जांपल मैं, और घर से आप खुद से ट्राई भी कर लेना, ये क्या है, कहीं भी है, यहाँ करंट क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है, ऐसे होगा ना यार, तो यहाँ से कुछ करंट जाएगा, यहाँ से यहाँ ओ, यहाँ भी बी एट ओ, क्या हो जाएगा जी, यदि इसके द्वारा हमने बी वन मान लिया इस आर्क के द्वारा, इसके और इसके द्वारा यदि बी टू मान लिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, समझ में आया ना ये क्या, कि B1 क्या है इस R के द्वारा अपर आर्क, और B2 क्या है लोअर आर्क, तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, तो यहाँ भी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये फिगर ये हुआ, देखो कई जगह मैं बता रहा हूँ, और तुम प्रूफ कर लेना है खुद से, ठीक है, यहाँ देखो ट्रिक हो गया, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल या कुछ भी स्क्वायर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टेंगल भी होगा तो हो जाएगा, आप कुछ यहाँ करंट क्या हो रहा है, यहाँ से इंटर हो रहा है, और यहाँ क्या है, निकल रहा है, आई मीन यही है ना यार, क्या ऐसे है, नहीं तो फिर ठीक है, ऐसे दिखा यहाँ ए बी सी और क्या हो रहा है, तो यहाँ ओ पे, यहाँ भी बोल सकते हैं, यहाँ से आई इंटर किया, और ये क्या हुआ, फिगर क्या हो गया, फिगर साइड लेंथ, ये मान लो यार खुद से भी तुम प्रूव कर सकते हो इसको, तो ओ पे जो होगा यहाँ भी मैग्नेटिक, आई मीन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, एडी, अब देखो यहाँ करंट यहाँ से आई आ रहा है, तो इधर क्या होगा, आई वन, इधर भी आई वन, इधर भी क्या होगा, आई वन, इधर क्या हो जाएगा, आई टू, तो अगेन नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कहीं भी, यहाँ भी देखो, यहाँ ये फिगर, यहाँ मैं तुमको बता देता हूँ, यहाँ क्या है, करंट इंटर हो रहा है और यहाँ निकल रहा है, ठीक है, इस केस में भी ओ पे क्या होगा, इधर से कुछ करंट जाएगा और इधर से करंट, यहाँ तो करंट यार इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आई बाई टू हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आई बाई टू, इधर से, यहाँ भी ओ पे एड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ये फिगर क्या है, सी है, तो यहाँ बी एट ओ इज अगेन इक्वल टू क्या होगा, जीरो, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, साइड, ऐसे बोल सकते हो ए बी सी और डी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डी सी, इसके द्वारा जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू वायर ए बी सी एट ओ, उसी तरह क्या होगा, इस वायर के द्वारा जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही क्या होगा इसके द्वारा, तो इस केस में क्या होगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद आपको हेक्सागन मालूम है, ठीक है, यही क्या है, वो है, यहां भी यहां से करंट इंटर कराओ और यहां से निकालो, देखो ध्यान से, एक करंट इधर चला जाएगा यार I1, और इधर से क्या होगा I2, यहाँ भी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ भी लिख सकते हो B एट O क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ऑल केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक जगह से क्या होगा, इंटर करेगा, और दूसरे जगह से क्या होगा, निकलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में भी आप बोलोगे, जैसे एक और क्वेश्चन लिख लो, सब में ये आपको याद रखना है, रेशियो दोनों पार्ट के द्वारा क्या होगा, दोनों करंट I1 I2 के द्वारा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड का, यहाँ भी I1 और I2 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इक्वल होगा O पे, यहाँ भी I1 और I2 के द्वारा O पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, तो हर केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ देखो यदि क्या है, ये कुछ से तुम प्रूफ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको रट जाना है, ये ट्रिक के लिए याद रख लेना है ना। देखो यहाँ क्या है, यही वो है, यहाँ हमने करंट को क्या करा है, इंटर करा है आई, और यहाँ से निकाल दिया है कहीं से, यहाँ इंटर करा है, यहाँ से निकाल दिया, आपसे यहाँ भी कोई पूछे कि एट, तो बी एट ओ अगेन यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑल केस में क्या है कि किसी भी क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इफ द करंट इज इंटरिंग एट वन पॉइंट
and leaving from the other point, then the net magnetic field at the geometrical center will be always kya hoga? Zero hoga. Kya hoga? Net magnetic field all case mein kya hoga? Zero ho jayega. Kya ho jayega? Net magnetic field jo hoga all case mein kya ho jayega? Zero ho jayega. Ye aapko kya karna hai? Dhyan rakhna hai. Kya hai? Is case mein kya hai? Ye kya hai? Cube hai. Yaad rakhna. Ye kya hai? Cube hai. तो इस केस में जो होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा. तो ये ट्रिक के लिए आप केवल याद रखना, खुद से प्रूफ भी कर सकते हो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि मैंने प्रूफ करके बताया कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो कैसे होता है. इसके नेक्स्ट क्लास में कल जो हम पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सोलेनोइड और टोरॉइड के द्वारा सेंटर पे या एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे, और फिर एम्पियर्स लॉ, इसके आगे वाले क्लास में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो होगा हम कल के क्लास में. हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है, शायद मैंने कई बार, कि एटलीस्ट जैसे जैसे देखो, मैंने देखा करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाने वक्त, कि जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था तो इवन पर्सनली भी बहुत लोगों को मैंने क्वेश्चंस भेजा, कोई रिस्पांस नहीं रहा. और इसका नतीजा ये निकला, इसका कंसिक्वेंस ये हुआ कि जब आपने टेस्ट दिया तो आपको ये मालूम चला कि टेस्ट में आपका स्कोर कैसे रहा. यदि मैं आपसे, आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, यदि आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे उसी को फॉलो करते जाओ, और मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि केवल फिजिक्स ही पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट आप डेली 20 न्यूमेरिकल्स फिजिक्स, जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे बेस्ड 20 न्यूमेरिकल्स आप डेली करोगे सॉल्व, तो मैं जरूर कॉन्फिडेंस या गारंटी के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका फिजिक्स में अच्छा स्कोर होगा. नहीं होने के कोई चांस नहीं है. आप कोई भी बुक देख लो, आप आइदर एच सी वर्मा देखो, बी एम शर्मा देखो, इवन आप डी सी पांडे का बुक देखो, सब में क्या है, यही कॉन्सेप्ट, सब में क्या होगा, प्रॉब्लम का जो वेरिएशन है सेम ही है. तो जितने भी टाइप्स हैं, अभी आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि मैंने पढ़ाया, इसमें जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली उतने वेरिएशन मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया. तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट 20 न्यूमेरिकल्स, 20, यदि इफ यू वॉन्ट टू क्लियर जेई मेन्स एज वेल एज जेई एडवांस, देन एटलीस्ट गिव इक्वली वेटेज टू ऑल थ्री सब्जेक्ट. मैंने ये नोटिस किया कि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि एक सब्जेक्ट, आज यदि मूड में आया तो नहीं चलो आज तीन फिजिक्स, आज कंटिन्यूअस मैं 3 दिन फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मूड में आया तो चलो 3 दिन मैं क्या पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ ले रहा हूँ यार, 3 दिन फिजिक्स पढ़ ले रहा हूँ. ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होता है, कभी क्लियर नहीं होगा. एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि इक्वल टाइम देना और डेली तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना. यदि आप ऐसे कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और स्कोर भी होगा, है ना. यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका स्कोर नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. ये तो यही हुआ कि एक दिन बहुत ज़्यादा खाना खा लिए और यार दूसरे दिन 3 दिन हम खाना ही नहीं खाए, तो ये बताओ तुम लोग का जो शरीर अपना जो होगा वो क्या बैलेंस रह गया, हम बीमार पड़ जाएंगे. उसी तरह टू क्लियर एनी एग्जाम, यदि आप शरीर को बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस फूड खाना चाहिए. उसी तरह इफ यू वॉन्ट टू क्लियर एनी एग्जाम देन यू विल हैव टू बैलेंस all subject, whatever the subjects are there in that exam equally. यदि आप balance नहीं कर रहे हो तो आप exam clear नहीं कर सकते. भाई मैं 100% बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं demoralize कर रहा हूँ, ये जो reality है वो मैं बता रहा हूँ, कई बार class में भी बताया है. तो इसलिए आपसे suggestion है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो जो point मैं बता रहा हूँ उस पर आप कोई भी book solve करो, है ना, उस पर आप 20 numericals daily solve करो, 20 numericals, और फिर देखो कि confidence आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरूर आएगा. ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही. लेक्चर देना ऐसे भी आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, ये तो मैंने भावनाओं में भर करके लेक्चर दे दिया. तो आप एटलीस्ट 20 न्यूमेरिकल्स डेली सॉल्व करें, और नहीं आता है तो डाउट सेंड करें, डाउट. ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही. थैंक यू, बाय बाय.